कोरोना वायरस को मुल्क में फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को 3 मई तक तौसी का फैसला किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आवाम से खिताब करते हुए ऐलान किया कि लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत और मुख्तलिफ स्टाकिस होल्डर्स के साथ मेरी बात हुई है, मुत्तफ़िका राय से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, लिहाजा मैं आज ऐलान करता हूं कि लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया जाएगा। इन्होंने आवाम से बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत के अहकाम पर अमल करने को कहा है। वजीर आजम ने कहा कि हम अगले हफ्ते मजीद सख्त इकदामात नाफिज करेंगे। 20 अप्रैल तक हम इस बात का जायजा लेंगे कि मुख्तलिफ रियासतें वबाई मर्ज से किस तरह काबू पा रही है। वो रियासतें जो हॉट स्पॉट को बढ़ने नहीं देती है, इन्हें कुछ अहम कारोबार को शुरू करने की इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन कुछ शराइत के साथ ये इजाज़त दी जाएगी। आप देश की एक अनुशासित सिपाही की तरह अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं आप सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं। हम विजयी कैसे हो, हमारे यहां नुकसान कम से कम कैसे हो, लोगों की दिक्कतें कम कैसे करें, इन बातों को लेकर राज्यों के साथ निरंतर चर्चाएं की है। और इन सभी चर्चाओं में से एक बात उभर करके आती है, हर किसी का यही सुझाव आता है, नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की दुखद मृत्यु होती है तो हमारी चिंता और बढ़नी चाहिए। रियायती फीस में हमारे यहाँ हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज, भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज्द राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुशी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल व दिगर अमराज के इलाज के लिए 17 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से फायदा हासिल करें। हामिला खवातीन की सेहत के लिए BP, शुगर, पानी की कमी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस आउटपेशेंट थिएटर, लैब व फार्मेसी की सहूलियत दस्तयाब है। मेटर्निटी, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, लेप्रोस्कोपी व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी की सहूलियत हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। सरकारी मुलाजिमों के लिए रीइंबर्समेंट की सहूलत हमारे यहाँ फराहम की जाती है।
हमारा पता भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल नजदू राजू गांधी ऑडिटोरियम रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक खलीलवाड़ी निजामाबाद। लजीज वजायफदार मिठाई का वाहिद मरकज महाराजा स्वीट्स आरपी रोड निजामाबाद, जहां पर आपको मलाई चमचम, रसमलाई, गुलाब जामुन, बर्फी, खलाखन, पेड़ा, नाम रखई के लड्डू, खारा, घाटी, खारी बूंदी वो हम आकसम की आपकी मनपसंद मिठाई लजीज व जायके से भरपूर, जो आपकी शादी और दीगर तकारीबात को चार चांद लगा दे, वो सिर्फ महाराजा स्वीट होम पर दस्तियाब है। तो देर किस बात की, फौरन तशरीफ लाए। हमारा पता महाराजा स्वीट्स आरपी रोड निजामाबाद।